नमस्ते और स्वागत है आपका इस नए हफ्ते की कॉस्मिक ऊर्जा में। यस, कॉस्मिक एनर्जी इस वीक में किस तरह की रह रही है और बड़ी दिलचस्प बातें भी होंगी, ऑन ऑफ की सिचुएशन भी रहेगी, जैसे कि एरीज टॉरस के कस्प पर आने वाला है तो, और ये क्या है, ग्रहण भी है तो तोड़फोड़ वाली और अचानक से बदलाव वाली फीलिंग्स आपके जीवन में ज़रूर होगी, जिससे आपके जीवन से आपकी आत्मा के लिए क्या सही होने वाला है वो चीज़ समझ में आएगी, मुक्त होने वाली है कि नहीं वो चीज़ समझ में आएगी। मरकरी रेट्रोग्रेड भी होने वाला है और यूरेनस के साथ जुड़ेगा तो आपको अपनी नीड्स के बारे में पता चलेगा कि व्हाट इज़ माय वांट्स एंड व्हाट आर माय नीड्स, है ना, तो उन सब के बारे में पता चलेगा। लेकिन फिर भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगी इस वक्त, लेकिन कन्फ्यूजन के लिए भी तैयारी करें। लेकिन ये समझ लीजिए कि मई के एंड तक आपको ये लगेगा कि हाँ, क्लैरिटी जीवन में मिल ही गई है। ऐसे ही इसी वीक में या 3-4 दिन में इस तरह की जो ऊर्जाएं हैं ये आपको कई तरह की ऊर्जाओं से मिलाएंगी। तो मरकरी रेट्रोग्रेड के कारण जो आपका जो ये प्रेशर आएगा ना कि अब क्या करूँ, दिमाग कुछ और कहेगा, दिल कुछ और कहेगा, यहाँ पर समन्वय बनाने की ज़रूरत है। इतना आसान ये नहीं रहेगा, लेकिन ये परिवर्तन ज़रूर आएगा, एक ज़बरदस्त ड्रास्टिक परिवर्तन। जो आप अगर सोच रहे हैं ना, नहीं हमारी ज़िंदगी में तो तूफान ही तूफान है, तो वो तूफान किसी शांति के लिए ही है। ट्विन फ्लेम के हायर सेल्फ को समझने की कोशिश करें। आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे किसी न किसी माध्यम से, चाहे तकलीफ से, चाहे ट्रिगरिंग से, या आपके ड्रीम में पहुंचकर कुछ ना कुछ आपको गाइड ज़रूर करेंगे। जब भी ट्विन फ्लेम का ड्रीम आए तो उसके मीनिंग को समझने की, डिकोड करने की कोशिश करें। इस वीक में प्यार और रिश्तों में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, बच्चों के साथ हो, वर्क प्लेस पे हो, या किसी भी तरह का हो। तो इसमें आपका ट्विन जर्नी में भी आपको बहुत ज़रूरी है कि इस समय पर आप ध्यान दें, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो आपको आपके लोअर चॉइसेस को चूज़ करने की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन आपने अगर अपने लिए हायर सेल्फ चुना है, आप अपनी आत्मा की बात को सुनने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपका ये जो बेकार की जो बातें हैं ना, वो सारी अपने आप दूर होती चली जाएंगी, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके पास नहीं रहेगा। अंत में ग्रहों के साथ साथ आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाने वाली बात दिखाई देगी कि चलो हाँ, जो भी हुआ, जितना भी तूफान आया, चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ ही है। एरीज का जो कस्प निकल कर आएगा ना, वो सोलर न्यू मून इक्लिप्स और ये जो आपका ये होगा ना अभी इसमें ट्यूसडे या वेनसडे में, तो इसमें ये एक ग्रहण गेटवे का अभी खुल ही रहा है, जो कि मई के एंड तक रहेगा, जो कि सोलर इक्लिप्स का सबसे बड़ा खुशनसीब पल भी होगा। एक कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करें तो पूरे विश्व में ही सबको कुछ ना कुछ नया करने का मन करेगा, ऐसा होगा। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ हैं वो ऑलरेडी डिवाइन से रहती हैं अलाइंड, तो उनकी परीक्षा होगी, एक तरह से ये आपका टेस्ट हो रहा है ये समझ लीजिए। टैरो या एस्ट्रोलॉजी या गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके बुकिंग करवाएं। धन्यवाद। आगे मैं यही बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ऐसा भी लग सकता है कि सब कुछ ब्रेकिंग पॉइंट पर आकर रुक गया है, सब रुक गया है, मैम कुछ नहीं हो रहा है, वो बात नहीं कर रहे हैं, वो शादी कर लिया, समथिंग समथिंग। तो इस सोलर एक्लिप्स का मकसद ही यही है कि आपकी बेहतरी की तरफ लेकर जाए, आप सच्चे उद्देश्य की तरफ अलाइंड होते चले जाएं, ऐसा आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी आपको चाहेगा, खुद से भी आपको प्रेरित होने की तरफ दिखाई देगा। आप किसी भी तरह से कमज़ोर होने की कोशिश में मत रहें, या फिर ऐसे लोगों या ऐसी चीज़ों के साथ डील बिल्कुल भी नहीं करें जो आपकी ताकत को कम करता हो, आपकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर रही है कोई सिचुएशन या कोई लोग, है ना, तो उन लोगों से दूर होते रहें। आपका यूनिवर्स जो है एक यूनिक पोटेंशियल को दुनिया को दिखाने के लिए गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर यूनिक पोटेंशियल है, उसे पहचानो, काम करो बस, और दुनिया के आप एक्चुअली नेक्सस पर हैं। इस वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई सुनाई देंगी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो आपने ये नहीं देखना है कि नेगेटिव देखकर सब कुछ बिगाड़ देना है। सोलर एक्लिप्स भी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के बीच में एरीज एंड टॉरस के ब्रिज से डील करता है, खुद और दूसरों के बीच में भी डील कर रहा है, यानी कि आपका दूसरे लोगों के साथ प्लस अपने साथ भी जो रिलेशनशिप और कनेक्शन होगा वो बहुत ही सडन और कुछ नया शुरुआत करने का सिग्नल है। हो सकता है कि आपको 10-10, 11-11 इस तरह के नंबर्स, या 4-4-4-4 या 444 या 444 इस तरह के नंबर्स, या 1-4-1-4, 1-4-4-1 इस तरह के नंबर्स भी दिख रहे होंगे, तो हो सकता है कि हाँ, आपके अंदर कुछ नया करने की चाहत बढ़ रही हो। बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं रीस्टडी का भी सोच रहे हैं, रीस्टडी का प्लान कर चुके हैं, पढ़ाई एक बार फिर से शुरू कर दी है और कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही होंगी,
क्योंकि कुछ नेचर में रहने का पसंद कर रही होंगी कि बस भाई बहुत हो गया। सबका अपना अपना डिपेंड करता है ना, एज के हिसाब से भी और समझ के हिसाब से भी। तो न्यू मून फुल मून अगर आपको किसी भी तरह से वो मुश्किलों में नहीं डालता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज जिनको डाल रहा है तो वो कुछ ना कुछ नया थ्रिल करने की सोचेंगे, या जिनका रियूनियन हो चुका है उनको लगेगा कि लेट्स डू समथिंग एडवेंचरस। तो कुछ तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ने की सोच चुके होंगे, कुछ छोड़ चुके होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ और करना है। जो ट्विन फ्लेम से ही मैरिड है वो सोच रहे होंगे कि ट्विन फ्लेम से एक बार फिर से मैरिज हो जाए, आपके ही काउंटर पार्ट से कितने लंबे सेपरेशन के बाद एक बार फिर से हम री मैरिज करते हैं, ऐसा भी प्लान बना रहे होंगे। क्या करें अगर कश्मकश बाकी है तो, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है तो, जिस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं उससे छोड़ने की हिम्मत आपको करनी होगी, ये करना है, यानी कि डिटैचमेंट की तरफ जाए। हर समय अटैचमेंट में मत रहें कि ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अंत में अपने आप से अलाइन रहने के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि और आप अपने यूनिक पोटेंशियल को पहचानने के लिए लगातार काम करते रहें। अगर आपने अपने लिए काम चुन लिया है अपनी बेहतरी के लिए तो बस फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। लेट गो, फॉरगिव एंड फॉरगेट करें, एंड देन होप ऑन अपॉन अ प्रेयर करें, अपनी हर तरह की हीलिंग करें करवाएं, एंड देन आगे बढ़ते रहें। आपके पास एक मज़ेदार ट्विस्ट एंड टर्न का वीक आने वाला है तो इसके लिए तैयार रहें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को अंत तक देखा, आई होप कुछ ना कुछ समझ आया होगा। और अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर न्यू व्यूअर हैं इस वीडियो के तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको नई तरह की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।